कुर सुधारी बरनव रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिउर लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम रोज गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहां ते कवि कोविद कहि सके कहां ते तुम्हा उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राज पद दिन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्री का मिलि मुख माही जल दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे ओ तन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चितन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई
कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो हर सब संतन की। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बु फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। बोले श्री गणेश जी महाराज की। संत शिरोमणि पूज्य बापू जी महाराज की। प्यारे सज्जनों, सनातन धर्म का आधार वेद है और वेद की भाषा को हम हृदयंगम नहीं कर सकते, क्योंकि समय का प्रवाह कुछ ऐसा है। उन्हीं वेद के ज्ञान को हृदयंगम करने के लिए, कराने के लिए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के द्वारा आपकी सेवा किए। रामचरितमानस की चौपाइयां, उनका भी अर्थ इतना कठिन है कि सरलता से हमारे हृदय में उतर नहीं पाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप कहेंगे, वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूज्य बापू के रूप में इस धराधाम के ऊपर अवतरित होकर आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, उनकी लीलाएं जो आपके जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन से संबंधित है। धर्म हमारे जीवन से अलग होकर के नहीं रहा और न कभी रहेगा। उस धर्म को आपके हृदय में स्थापित करने के लिए इस धराधाम के ऊपर अवतरित हुए। पुनः एक बार करतल ध्वनि के साथ हम बापू का अभिनंदन करते हैं। सबसे प्रथम बच्चों के द्वारा स्तुति दो मिनट के लिए, जैसा कि हमें सूचना दी गई तो पूर्ण हो चुकी है। और अब हमारे स्वर्गीय राम निवास जी सिंघल, इनके पौत्र चिरंजीव आदित्य विक्रम जी सिंघल, इनके द्वारा अभ्यर्चन होगा। समय 5 मिनट है, तो अब आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं चिरंजीव आदित्य विक्रम जी सिंघल। नीलांबुजश्याम मलकोमलांगं
सीता समारो पितवाग भागम पाणो महा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री राम कथा सागर में अवगाहन करने हेतु सकल दिशाओं से आए हुए पुष्कर पत्र पतित जल बिंदु सम श्रोताओं का मैं सिनल परिवार की ओर से सादर साभिनंदन करता हूँ। राम नाम जपते रहे जब तक तन में प्राण, हरि के कर से बज रही हरि कथा गुणगान। इस पावन सुखद ज्ञान प्रवाहक मार्मिक एवं रमणीय राम कथा का आयोजन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आराधना उपासना एवं भक्ति रस का नित्य पान करने वाले तथा संत शिरोमणि बापू के दिव्य मार्गदर्शन से श्री प्रभु चरण का आजीवन वंदन करने वाले मेरे आदर्श एवं मेरे परम पूज्य दादाजी की पुण्य स्मृति में किया गया है। जैसा कि हमें विदित है कि समाज से दानवता को समाप्त कर मानवता को स्थापित करती हुई श्री रामचरित मानस रूपी कथामृत सनातन काल से दिव्य एवं प्रकांड मानस ब्रह्मज्ञों के जीवा से मुखरित होती चली आ रही है, जिसका उद्देश्य सनातन संस्कृति को समाज में निरंतर एवं सतत प्रवाहित करना तथा सकल सृष्टि को धर्म अथवा आध्यात्म के सानिध्य में करना है। यह दिव्य कथा आत्मा को परमात्मा से मिलाती है, अतएव हम सकल मानस मर्मज्ञों के प्रति तन मन धन से जीवन पर्यंत आभारी हैं और सदा रहेंगे। और इसी मार्मिक सार गर्भित श्री राम कथा को एक अद्वितीय रमणीय शैली प्रदान करने वाले रवि एवं कवि की भांति अपनी छवि को प्रस्तुत करने वाले मानस शिरोमणि संत श्री मुरारी बापू जी का मैं सिनल परिवार की तरफ से एवं श्रद्धेय श्रद्धालुओं की तरफ से साभिनंदन सादर स्वागत करता हूँ तथा अपनी आकांक्षाओं की प्रस्तुति करता हूँ कि वे कलिपावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरित मानस की मंदाकिनी को सकल भक्तों के हृदयों में प्रवाहित कर हमें कृतार्थ करें। अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुंजन सावनी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कम मनाऊ जासु कृपा निर्मल मति पाऊ धीरज धर्म कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्यारे सज्जनों, सिर्फ हम और आप ही बापू को कथा के निमित्त निमंत्रित नहीं करते हैं। आज तक मानव के इतिहास में ऐसी घटना नहीं घटी जैसी आज घट रही है। भगवान वेद कहते हैं कि परमात्मा का संकल्प ही आकाश के रूप में है, वायु के रूप में है। जो आकाश व्यापक के स्वरूप में होकर आपको दर्शन दे रहे हैं, वे भगवान के संकल्प आकाश तत्व भी बापू को निमंत्रित किए और कहे, आप मुझे राम कथा सुनाएं, तभी मैं जगत का धारण कर सकता हूं, तभी मैं जगत को अवकाश दे सकता हूं। बापू की कथा सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही नहीं हुई, नभमंडल में हुई। नक्षत्र मंडलों ने बापू के मुखारविंद से निश्रित राम कथा अमृत का श्रवण किए। सिर्फ आकाश की बात नहीं है, वरुण देवता जल देवता ने भी बापू को निमंत्रित किए।
उन्होंने भी कहा कि हे बापो, मैं और शीतल तब हो जाऊंगा, मैं और मधुर तब हो जाऊंगा जब आपके मुखारविंद से निःसृत भगवान राम की कथामृत को धारण करूंगा, तब मैं और शीतल हो जाऊंगा और मधुर हो जाऊंगा। तो देखा जाए तो ऐसी घटना और कहीं नहीं घटी। जल के अंदर बापू ने कथा की, नभमंडल में बापू ने कथा की और पृथ्वी मंडल में तो कर ही रहे हैं। ये हमारे लिए ही गौरव की बात नहीं, सिर्फ भारतवर्ष के लिए गौरव की बात नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए गौरव की बात है, ब्रह्मांड के लिए गौरव की बात है। बापू महज राष्ट्र संत ही नहीं, विश्व संत ही नहीं, ब्रह्मांड संत हैं। इस प्यारे सज्जनों, बापू इतने विनम्र हैं, इतने नम्र हैं, स्वयं अपने मुखारविंद से कहा करते हैं, ये मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, ये मेरी कोई शक्ति नहीं, ये तो संतों की कृपा का फल है। कैसे संत? सदगुरुदेव श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज, जो कि सनातन धर्मावतंस धर्म सम्राट, नित्यावतार, युगावतार, धर्मावतार, ज्ञानावतार, वेदावतार, महिमा महामंडित महामहिम, सर्वदर्शनाचार्य, पद वाक्य प्रमाण पारावारीन, ऐसे सदगुरुदेव श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज इनकी कृपा को अपने जीवन में सतत अनुभव करते हैं और आपके समक्ष कहते भी हैं कि ऐसे महान संतों की कृपा का ही फल है कि मैं आपके समक्ष, आपके बीच भगवान राम की कथा को प्रस्तुत कर पाने में समर्थ होता हूँ। तो प्यारे सज्जनों, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय के अंतर्गत वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, और ऐसे महात्मा के अमिट तेज को अपने अंदर अपने रोए रोए में, पोर पोर में धारण किए हुए हमारे संत शिरोमणि सर्वदर्शनाचार्य सदगुरुदेव श्री स्वामी गोविंदानंद जी महाराज यहाँ पे उपस्थित हैं। इनके चरण कमलों में प्रणाम है और आप सब भी प्रणाम कर रहे हैं। और सदगुरुदेव श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज के ही अमिट तेज को अपने रोए रोए में और पोर पोर में धारण किए हुए परम धीर वीर गंभीर महावीर परमवीर व्यवहार कुशल सर्वदर्शनाचार्य संत शिरोमणि परमाध्यक्ष श्री स्वामी आनंद भास्कर मुनि जी महाराज, उनके चरणों में भी प्रणाम है। उनके सौजन्य से और उनकी कार्य कुशलता से ही आज आपको और हमें भी अपने कर्ण को, अपने हृदय को पवित्र करने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ। प्यारे सज्जनों, इस कथा के निमित्त हमारे स्वर्गीय राम निवास जी सिंघल, जिनकी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में यह कथा का आयोजन किया जा रहा है, बापू के अत्यंत निकट थे स्वर्गीय राम निवास जी सिंघल, सच्चे सनातन धर्मावलंबी थे, वैदिक धर्मावलंबी थे, सच्चे हिंदू थे, सच्चे वैदिक थे, गौ ब्राह्मण और महात्मा की सेवा अपने जीवन में सतत करते रहे। प्यारे सज्जनों, शरीर त्याग करने से पहले ही उन्होंने बापू से वचन लिया था कि हे बापू, मैं यजमान बनूं और आप मुझे कथा सुनाएं, मैं निमित्त बनूं और निमित्त बनकर के समस्त जनता जनार्दन की सेवा करूं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 9 जनवरी 2001 को उन्होंने पंच भौतिक शरीर का त्याग किया, लेकिन फिर भी संत जिन्हें वचन देते हैं अपने वचन से पीछे नहीं हटते, क्योंकि बापू का तो आधार ही रामचरितमानस है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। इन्होंने अपने वचन को आज पूर्ण किया और आज की पूर्णता और कथा साकार रूप में आपके सामने आज उपस्थित है, समुपस्थित है। तो प्यारे सज्जनों, बड़े प्रेम के साथ मैं ज़्यादा समय लूँगा तो ये हमारी धृष्टता होगी। अब अपने मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके बापू के मुखारविंद से निश्चित भगवान राम की कथामृत को अपने हृदय में आप धारण करें। मैं गुरु गंगेश्वर वेद धाम की ओर से, सदगुरुदेव श्री स्वामी आनंद भास्कर महामुनि जी की ओर से आप सबों को प्रणाम करता हूँ, बापू के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत शिरोमणि श्री मुरारी बापू जी महाराज की, हर हर महादेव।
आइए हनुमंत विराजिए। कथा प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार सिया वर राम चंद्र रघुवीर राम चंद्र पवन सुत हनुमान उमापति महा बोलो भाई सर्व संत मनो वाता
श्री बाल कृष्ण भगवान सदगुरु भगवान श्री राम जय राम जय जय श्री राम
तुलसीदास जी महाराज भरद्वाज मुनि बसगि प्रयाग तिनहि राम पद अति अनुराग भरद्वाज मुनि बसगि प्रयाग मुनि बसहि प्रयाग तिन्हहि राम पद अति अनुराग भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग तापस समदम दयानिधाना परमारथ पथ परम सुजाना तापस समदम तापस समदम दयानिधाना परमारथ पथ परम सुजाना तापस बसहि प्रयाग तिन्हहि राम पद अति अनुराग भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग तिन्हहि राम पद परमात्मा की असीम कृपा से फिर एक बार भारतवर्ष के पाटनगर में
गुरु गंगेश्वर धाम के समीप इस भूमि पर राम कथा का आरंभ हो रहा है। अभी अभी पूज्य स्वामी श्री ने आपको इस कथा के निमित्त जिसकी श्रद्धा के कारण ये कथा यहाँ आई है उसकी बात आपके सामने रखी। मैं कुछ कहूँ इससे पूर्व, गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज की वैदिक चेतना को मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी संत वृंद को मेरा प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मुझे पहले भी बताया गया था, अभी यात्रा में भी मुझे बताया प्रवास में, कि सिंघल परिवार के इस आदरणीय वडील श्री ने अपनी कुछ इच्छाएं जो थी वो लिखी थी, उसमें सबसे प्रथम स्थान पर ये इच्छा थी कि राम कथा हो। और उनका परिवार इस सात्विक इच्छा को पूर्ण करने के लिए निमित्त बना है। मुझे लगता है जिसकी ये इच्छा है उनकी चेतना आज बहुत प्रसन्न होती होगी। मैं अक्सर बोला हूँ कि जैसे भगवान राम के जन्म के लिए इदमित्थ कारण नहीं दिया जा सकता प्रभु के अवतार के बारे में, फिर भी एक बात तो अवश्य कही गई है कि जोग लगन ग्रह वार तिथि, ये पांच जब अनुकूल होते हैं तभी ऐसा यज्ञ शुरू होता है। राम कथा का आरंभ जब हो रहा है तब मुझे लगता है ये पांचों अनुकूल है, और इसलिए हम और आप यहाँ कथा के सत्संग के लिए एकत्रित है। भगवान राम की कथा से कोई अपरिचित नहीं। मैंने बहुत बार ये बात दोहराई है, फिर दोहरा रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी ने, गांधी बापू ने अपने जीवन काल दरमियान कहा था कि जिसको महाभारत और रामायण का ख्याल नहीं है और जिसने ये दोनों ग्रंथ पढ़े नहीं हैं या तो सुने नहीं हैं, उसको भारतीय होने का अधिकार नहीं है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। तो हम सब भारतीय हैं, सब जानते हैं कि राम कथा में क्या है, फिर भी यही कथा बार बार गाई जा रही है, सुनी जा रही है, इतने बड़े बड़े आयोजन होते चले जाते हैं, आखिर क्या बात है।
गोस्वामी जी को पूछे तो गोस्वामी जी तो राम कथा के बारे में बहुत अभिप्राय देते हैं कि राम कथा ये है, राम कथा ये है, राम कथा ये है। लेकिन ये कथा क्यों चल रही है और चलती रहेगी? कारण क्या है? यही भगवान राम की लीला, चार भाई जनकपुर में ब्याहे, राज तिलक की तैयारियां चल रही थी और वनवास हो गया, रावण ने एक योजना बनाई, जानकी जी का अपहरण कर लिया, फिर प्रभु ने सेना बटोरी, बंदर भालुओं की, सेतु बंद किया, लंका विजय हुआ, प्रभु अयोध्या पधारे, रामराज्य की स्थापना हुई। कौन अपरिचित है? और मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्र की युवानी भी इन अंतिम करीब डेढ़ दशक में राम कथा से ज्यादा परिचित होती जा रही है। तो कारण क्या है? एक केवल ग्रंथ होता तो इतना नहीं चलता। हमारे सभी ग्रंथ केवल ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ का रूप जरूर है लेकिन वो ग्रंथ नहीं है। क्या भगवद गीता को आप ग्रंथ कहेंगे? कह तो सकते हैं, सदग्रंथ कह सकते हैं, इतना बड़ा वैश्विक ग्रंथ। लेकिन भगवद गीता क्या है उसके बारे में हम कोई निर्णय दें कि ये भारतीयों का, पूरे विश्व का, जगत भर का एक ग्रंथ है? लेकिन गीता जिसके मुख से प्रकट हुई है वो भगवान श्री कृष्ण को ही पूछना चाहिए कि आप जो बोले वो ग्रंथ है क्या ये? तो भगवान कृष्ण तो बिल्कुल बिलग अभिप्राय दे देते हैं, गीता में हृदयम पार्थ, अर्जुन गीता मेरा हृदय है। तो एक बात पक्की हो गई कि ग्रंथ के रूप में भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, उनके हृदय की धबकार है। अब वेद को हम ग्रंथ कहें, मैं पुनः स्मरण करूं, पुण्य स्मरण करूं, ब्रह्मलीन स्वामी श्री का, गंगेश्वरानंद जी महाराज जी का, इसने वेदों के लिए बहुत काम किया। ये जो हमारे चारों वेद महाग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, लेकिन क्या वो ग्रंथ है? ग्रंथ के रूप में तो जरूर है लेकिन वेदों के बारे में शास्त्रों के जो अभिप्राय हैं वो केवल ग्रंथ परक नहीं है। वहां तो कहा गया है परमात्मा की श्वास की ये प्रकृति है, श्वास है। तो गीता हृदय है, वेद मारुत श्वास निगम निज वाणी। तो एक ग्रंथ के रूप में होते हुए केवल ग्रंथ नहीं है। अब रामचरितमानस को उठाएं कि रामचरितमानस क्या है, तो गोस्वामी जी ने बहुत बड़े बड़े प्रकरण लिख दिए, उस पर मेरी व्यासपीठ निमित्त बनी, एक कथा हमने सौरों में कही कि राम कथा क्या है, और बिलक बिलक स्थान पर भी गोस्वामी जी ने बहुत अभिप्राय दिए हैं। लेकिन मैं इस कथा में, इस प्रारंभिक प्रथम दिन
रामायण की महिमा के बारे में कुछ कहना चाहूँ तो इतना ही कहकर कथा को विराम देना चाहूँगा कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के बारे में तीन शब्द के खास प्रयोग किए हैं। एक तो आप सब राम कथा का पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, इसका अनुष्ठान करते हैं, फिर आखिर में आरती भी करते हैं, और उस आरती में गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि राम कथा क्या है, तो उसने एक शब्द का प्रयोग किया है, वो आप सब जानते हैं, तात मात सब विधि तुलसी, तात मात सब विधि तुलसी। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि ये माता पिता है, और ये एक अभिप्राय गोस्वामी जी का ये भी है, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के बिगुल वैद भव भीम रोग, सदगुरु ज्ञान विराग जोग में। गोस्वामी जी का यह अभिप्राय है कि राम कथा गुरु है, सदगुरु। अब मुझे यह कहना है कि युगों से चली यह कथा पुरानी क्यों नहीं होती? कोई कह सकता है कि मेरी मां पुरानी हो गई? कोई कह सकता है कि मेरे पिता पुराने हो गए? हाँ, ये कहे कि बूढ़े हो गए, जरा विचार उनके पुराने हैं, ऐसा शायद लोग बोले भी, लेकिन मेरे माता पिता पुराने हो गए, समय से बाहर हो गए हैं, अब प्रासंगिक नहीं रहे, ऐसा कोई भारतीय बेटा या बेटी नहीं बोल सकते, क्योंकि माँ बाप किसी के पुराने नहीं हो सकते। हाँ, अच्छे माँ बाप का पुराण बन जाता है, जिसके अच्छे माँ बाप हो उनके ग्रंथ बन जाते हैं, उनके शास्त्र बन जाते हैं, पुराण खड़े हो जाते हैं, लेकिन माता पिता पुराने नहीं होते, बूढ़े हो जाए बात और है, विचारों में थोड़ा ये हो और बात है, लेकिन माता पिता कभी पुराने नहीं होते। उसी तरह गुरु कभी पुराना हो सकता है कि भाई अब ये आउट ऑफ डेट है, ये गुरु जो है अब काल के अंतर्गत नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरु तो माता पिता से भी ज्यादा महिमावंत रहता है, इसलिए तो हमारे यहाँ उपनिषद का जो क्रम है उसमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आखिर में आचार्य देवो भव, उसमें सबसे पहले माँ को देव कहा है, ये बड़ी अद्भुत बात है, लेकिन आचार्य को देव देव कह करके एक शिखर चढ़ाया। तो मुझे आपसे ये निवेदन करना है मेरे भाई बहन कि माता पिता और गुरु ये पुराने नहीं होते, ये रोज रोज जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे ज्यादा पूज्य हो जाते,
एक युवान बेटे का युवान बाप, मानो बेटा 15 साल का है और बाप 45-50 साल का है, तो करीब करीब 45 साल का बाप भी जवान है, 15 साल का बेटा भी जवान है। उस समय बाप इतना पूज्य नहीं रहता, जब वो 60 साल का हो जाता है तो ज्यादा पूज्य हो जाता है, 70 का होता है तो और पूज्य हो जाता है, 80 का होता है तो और पूज्य हो जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति पुरानी होती है ऐसे और पूज्य बनता जाता है, आदरणीय बनता है। तो ये शास्त्र केवल ग्रंथ नहीं है, माँ है हमारी, हमारे पिता हैं और हमारे गुरु हैं, उसी के नाते रामकथा पुरानी नहीं हो पा रही है, न होगी, ज्यादा से ज्यादा पूज्य और प्रिय होती जा रही है, क्योंकि ये माता पिता और गुरु है। अब मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं कहता रहता हूं कि माँ क्या देती है हमको, बाप क्या देता है और गुरु क्या देता है, तीन देता क्या है। अब रामायण में माता पिता के बारे में तो एक स्पष्ट जवाब है कि माँ बाप क्या देते हैं, उसके लिए गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट दो टुक बात लिखी है, प्रमाण के रूप में उसको आप सुन ले। जन्म हेतु सब कह पितु माता, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभा गोस्वामी जी ने गर्भित रूप में कह दिया कि किसी भी व्यक्ति के जन्म का हेतु उनके मां बाप है। ये तो सही बात है, लेकिन अब दोनों को बिलक कर दो, मां और बाप को, तो मां क्या देती है बाप क्या देता है उसका निर्णय करें। माँ बालक को देह प्रदान करती है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ का और प्रदान नहीं है, एक केवल सूत्र के रूप में समझिएगा। माँ का काम है अपनी संतान को देह देना, क्योंकि किसी भी बालक का देह माँ के देह में तैयार होता है, बाप के देह में नहीं होता। इसलिए प्रधान रूप में मां बच्चे की देहदात्री है, प्रसूता होने के कारण, गर्भधारिणी होने के कारण। किसी बाप से देह नहीं बनता है, मां से ही देह बनता है, पिंड बना मां के उदर में। तो मां देह प्रदान करती है और पिता जीव प्रदान करता है। पिता की देन पिता का जो योगदान है वो जीव देना है, माँ का योगदान है देह देना है, पिता का योगदान है जीव देना। उनकी चेतना से
जीव आता है गर्भ के नियमानुसार। तो ये बात मेरी समझ में बिल्कुल ठीक लग रही है। आप भी सोचिएगा कि मां देती है देह और सब कुछ देती है, लेकिन प्रधान रूप में मां देह देती है, पिता देता है जीव, लेकिन गुरु किसी को देह नहीं देता, गुरु किसी को जीव नहीं देता। हां, गुरु अपना देह लोगों के लिए घिस डाले, बात और है। गुरु संसार के लिए अपना जीवन प्रदान कर दे, अपना जीव लोगों के लिए दे दे, ये बात और है। उनका शारीरिक श्रम और कभी कभी इतिहासों की परंपरा में जो सदगुरु हुए हैं उनकी जाने भी ली गई, लोगों के लिए उसने जीव दे दिए। तो इस रूप में तो जरूर उनका शरीर संसार के उपयोग में आ जाता है पूरा का पूरा, और जीव भी दे देते हैं, लेकिन स्थूल रूप में गुरु किसी का देहदाता नहीं हो सकता। देह देना गुरु का काम नहीं है, देह को दीक्षित करना बात और है। तो गुरु क्या देता है? मां देह देती है, पिता जीव प्रदान करता है, गुरु आत्मा प्रदान करता है। गुरु का काम है आत्मदान करना। आत्मा का स्पष्टीकरण करना, आत्मा को जागृत करना, आत्मबान कराना, आत्मज्ञान देना, जो शब्द लगाओ लगाओ। रामचरितमानस की प्रसिद्ध पंक्ति आप सब जानते हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। क्यों? राम तो स्वयं ब्रह्म है, करुणा करके हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों जीवों को मनुष्य देह दे देते हैं। कबहुक करी करुणा नर देही देत राम बिनु हेतु स्नेही। ये ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा भगवान है, ईश्वर है। ऐसे प्रभु को कौशल्या ने देह दिया, दशरथ जी ने एक लीला के रूप में उसके विग्रह को यदि आप देखें कुछ क्षणों के लिए, दशरथ जी ने जीव दिया, गुरु ने, गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु परंपरा का राम जी ने निर्वाह किया है और गुरु आत्मा प्रदान करता है। तो मां देह दान करे, पिता जीव दान करे, गुरु आत्मदान करता है। राम कथा मां है, पिता है और गुरु है, इसी कारण राम कथा हमें दिव्य देह प्रदान करती है। देह तो सबको मिला हुआ है, लेकिन एक ऐसी मां है कि उसका आश्रय, उनका दुग्धपान जो करता है उसको एक दिव्य देह प्राप्त हो जाती है। दिव्य देह का मतलब मेरा ये नहीं कि उसके देह में कुछ चार हाथ हो जाए, वो चतुर्मुख हो जाए, पंचमुख, ऐसा नहीं हो। उसी देह में शरीर तो देश काल के अनुसार, उम्र के अनुसार कई वस्तु का भोग बन जाता है, लेकिन शरीर की दिव्यता मिटती नहीं। ये जिन लोगों ने, मैंने जितने महापुरुषों को मेरी इस गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, मेरी राम कथा की यात्रा में राम कथा को समर्पित जितने महापुरुषों को देखा है, उनके शरीर में भले क्षीणता हुई हो अवस्था के कारण, लेकिन मेरी आंखें यदि धोखा नहीं करती हैं तो मैं ऐसा मानता हूं राम कथा के समर्पित महापुरुषों को दिव्य देह प्राप्त होता है। एक
एक बिलक प्रकार की दिव्यता पैदा हो जाती है। अब ये कौन माने अनुभव करे तो पता लगे। कई लोग हमको भी पूछते हैं कि बापू आप कथा कहते हैं, आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, सुबह सुबह चलना शाम चलना, और अब मेरे परिचित जितने सब जानते हैं कि मेरा बहुत कम चलना होता है, बहुत कम, और चलना चाहूं तो लोग चलने देते नहीं। ये आपकी उदारता है। तो डॉक्टर लोग भी बिना मांगी सलाह देते हैं, वो भी उनकी उदारता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, इतना करना चाहिए, वो करना भी चाहिए। मैं एक ही जवाब देता हूं कि व्यासपीठ मेरी सभी एक्सरसाइज पूरी कर देती, सभी एक्सरसाइज पूरी हो जाती। और ये एक्सरसाइज शब्द आया तो मुझे प्रसंग थोड़ा हटकर भी याद आया तो कह दो, धर्म जागृत रहे इसीलिए कह दो, स्वयं धर्मदेव, धर्मदेव धर्म की देवता तो जागृत है ही, लेकिन हमारे जीवन में ये जागृति बनी रहे इसलिए बात कहूं। मैं कुछ समय पहले यानी 1.5 महीना करीब हुआ होगा, मुझे अचानक लंदन जाना पड़ा, तो ये 8-9 घंटे की यात्रा और लंदन आने को था, एक आध घंटा बाकी रहा था उड़ान को, तो सुबह का समय था, सब जाग गए थे, मैं भी जागा और बैठा बैठा अपनी सीट पर भगवान नाम भाव कुभाव ले रहा था। तो मैंने देखा कि एक अंग्रेज, मैं जहां बैठा था वहां मेरे सिवा और कोई भारतीय नहीं था, सब विदेश के लोग थे। तो एक अंग्रेज बार बार दंडवत कर रहा था। अब मैं बैठा हूं और वो जो बीच वाली खाली जगह है चलने की, वहां वो दंडवत कर रहा है। मैंने देखा कि ये दंडवत कर रहा हद है, वो मुझे जानता नहीं, मैं उसको जानता नहीं, मेरी बोली समझता नहीं वो, और मेरे से दंडवत, ये गजब है। और वो तो बिल्कुल मानो 108 ठान ली हो, उसी तरह दंडवत कर रहा। और मैं बहुत सोचने पर मजबूर हो गया कि कमाल है, ये मुझे दंडवत क्यों करता है, भाई बगल में ऐसे दंडवत कर रहा, मैं बैठा हूं तो मैं देखता रहा। मेरे साथ एक युवक यात्रा कर रहा था साथ में, तो वो मुझे मिलने आया कि बापू कुछ काम है, मैंने कहा नहीं, और उसने कर्मचारी को पूछा कि मैं बापू के पास या कुछ मिनट बैठ सकता हूँ, तो उसने कहा बैठो, तो वो बैठा था और ये दंडवत कर रहा। तो मैंने इस युवक को पूछा कि भैया ये अंग्रेज है और ये हमको दंडवत क्यों करता है। तो उस युवक ने मुझे जवाब नहीं दिया, केवल मुस्कुरा दिया। तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरी बात नहीं समझ पाया, तो मैंने फिर पूछा कि भैया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझे दंडवत क्यों करता। तो उसने दोबारा मुस्कुरा दिया। अरे मैंने कहा तू मुस्कुराता है, जरा बोल तो सही कि ये मामला क्या है, ये मुझे दंडवत क्यों करता है। तो तीसरी बार उसने त्रिसत्य कर दिया, फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। तब मुझे लगा कि मैंने कुछ चूक की है समझ में, ये बोलता क्यों नहीं। मैंने कहा देखो तुझे जवाब देने में संकोच होता है कि बापू को ऐसा कैसे जवाब दे, तू सब संकोच छोड़ दे, तुझे जो लगता है वो मुझे कहे, लेकिन मेरी जिज्ञासा का समापन कर कि ये दंडवत क्यों करता है। तब उसने कहा बापू बताऊं क्या, कि आपको दंडवत नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, सुबह सुबह उसको रोज आदत है। तो मैंने कहा ये करता तो है दंडवत की तरह, लेकिन ये मुने बोले आपको ऐसा लगता है। बाकी फिर उसने अंग्रेजी में पूछा, उसने कहा
माफ करिएगा आपको विक्षेप हो तो, लेकिन मैं रोज ऐसा करता हूँ। धर्म जागृत रहे, क्योंकि लोग दंडवत कर रहे हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको पक्का करें। व्यास पीठ व्यक्ति की सभी एक्सरसाइज पूरी कर देती है। मेरा कहना, मैंने जितने महापुरुषों को रामायण और महान महान सभी शास्त्रों के आश्रित पाए, उनके पास प्रसूता का दिया हुआ देह तो होता ही है, लेकिन अवस्था होने पर भी उनके शरीर में दिव्यता पाई, क्योंकि उसने शास्त्र रूपी माँ के कारण दिव्यता प्राप्त की। एक नया देह मिलता है, एक नया जन्म होता है। राम कथा पिता बनकर रामचरितमानस में लिखा है कि 14 लोग जीवित होते हुए भी मरे हुए हैं, शब हैं, लाशें हैं। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्टु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत सवसम 14 प्राणी। मरे हुए 14 में हमारा नंबर लग ही जाता है, तो सब लोग मरे हुए हैं। राम कथा रूपी पिता इन मुर्दाल जीवन में, इन शब जैसा जीवन में एक नई चेतना भर देता है, व्यक्ति जीवंत बन जाता है, व्यक्ति मुस्कुराने लगता है, व्यक्ति में सच्चे धर्म की पुनःस्थापना होने लगती है। ये भगवान श्री कृष्ण का धर्म संस्थापनार्थ है। ये शब्द मेरी समझ में बहुत चिंतनीय है, किस प्रकार के धर्म की वो स्थापना चाहते थे। असुरों का नाश करना और असुरों के कारण धर्म को कुछ ग्लानी ब्लानी होती थी, वो तो भगवान श्री कृष्ण के चुटकी की बात थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कई कुछ और अर्थों में धर्म का स्थापन करने के लिए बार बार परमात्मा की अवतार की घोषणा करते। शास्त्र पिता बन करके शव जैसे जीवन को शिव बना देता है, जो शव जैसा जीवन है उसको शिव रूप में परिवर्तित कर देता है शास्त्र पिता बनकर। और राम कथा गुरु बन करके आत्मभान करा देती है, आत्मज्ञान करा देती है, आत्मवत बना देती है, आत्मवित बना देती है। गुरु आत्मा देता है, और ये माता पिता और गुरु कभी पुराने नहीं होते। जितने पुराने इतने और पूज्य, इतनी और सेवा के योग्य, इतनी और प्रथम पूछने के योग्य, जितने पुराने इतने योग्य बन जाते। अपवाद की बात छोड़िए, तो मुझे लगता है कि ये बार बार कथा कही जा रही है, गाई जा रही है, सुनी जा रही है, इतने बड़े बड़े आयोजन होते जा रहे हैं, साधु संत भी सुनते हैं, गाते हैं, तो क्या कारण है? जानते तो सब है कि राम कथा में इतना ही है। कौन भारतीय है अभागा जो नहीं जानता राम कथा के बारे में? फिर भी ये कथा रोज रोज प्रासंगिक बनती जा रही है, क्योंकि तात मात सब विधि तुलसी की, और सदगुरु ज्ञान विराग जोग के। ऐसी गुरु मूर्ति कथा, ऐसी मातृ मूर्ति कथा, ऐसी पितृ मूर्ति कथा आज से हम और आप साथ में मिलकर उसका आरंभ किया गया। ऐसी कथा का एक प्रसंग मानस भरद्वाज, रामचरितमानस में भरद्वाज ऋषि का जो दर्शन है, भरद्वाज ऋषि का जो
जीवन है, उनका चिंतन है, उनके लिए व्यासपीठ उनका प्रथम भाग तीर्थराज प्रयाग की कथा में गाया गया, दूसरा भाग अभी अभी कलकत्ते में गाया गया, तीसरा भाग मानस भरद्वाज जी का इस नगरी में हम लेने जा रहे हैं कि रामचरितमानस में भरद्वाज ऋषि का क्या दर्शन है और ये दर्शन हमारे लिए किस रूप में प्रासंगिक है। जो पंक्तियों का आश्रय किया है वो आप सब जानते हैं, बालकांड की पंक्तियां हैं, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा तिन राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा तिन राम पद अति आपस सम दम दयानिधाना परमारथ पथ परम सुजाना, आपस सम दम दयानिधाना परमा राम पद अति अनुरागा, बस ही प्रयागा राम पद अति अनुरागा। प्रथम भाग में बालकांड वाला जो प्रसंग है उस पर हम सब ने मिलकर गान किया था प्रयाग में, दूसरे भाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान राम वन यात्रा के दौरान पहुंचते हैं और भगवान राम स्वयं भरद्वाज जी से मार्ग पूछते हैं कि हम किस रास्ते पर यात्रा करें, उसका दर्शन किया गया। अब ये तीसरा भाग है जिसमें भरद्वाज जी के आश्रम में प्रेम मूर्ति संत भरत जी पधारते हैं और भरत जी और भरद्वाज जी के बीच में जो वार्तालाप होता है, इस वार्तालाप को इस कथा का मुख्य विषय बनाते हुए मानस भरद्वाज का प्रधान प्रसंग इस कथा में हम ले रहे हैं। कथा के प्रसंगों का ऐसे ही दिग्दर्शन जरूर करेंगे लेकिन मूल विषय मानस के इसी प्रसंग पर हम केंद्रित होंगे। सात सोपान की ये कथा कई अर्थों में भारतीय वांग्मय के सप्तक को सिद्ध करती है। भारतीय वांग्मयों में कई सप्तक है, ये सात सोपान की ये कथाएं सभी सप्तक को सिद्ध करने वाली ये कथा बालकांड के प्रथम मंत्र का हम सब स्मरण करें और आगे बढ़े। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसानाम जगतारो वंदे वाणी विनायको भवानी
पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर गुरु यमाश्रितो हि वक्रो हि चंद्र सर्वत्र वन्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो वाणी विनायक शिव पार्वती वाल्मीकि श्री हनुमान जी सीताराम जुगल इन सब की मंगलाचरण में स्तुति करते हुए गोस्वामी जी ने अपनी कथा का प्रधान हेतु बता दिया। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल सात मंत्रों में गोस्वामी जी ने आखिर में अपनी बात रखी और फिर संस्कृत के इतने प्रकांड विद्वान होते हुए भी पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कलयुग के जीवों को सामान्य से सामान्य जन को दृष्टि में रख करके हनुमान जी की प्रेरणा से एकदम भाषा में इस ग्रंथ को उतारा। 5 सौरठे लिख दिए। सुमिरत सिद्धि होइ गणनायक करिवर वदन कर अनुग्रह सोइ बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होइ बाचाल पंगु चरे गिरिवर गहन जासु कृपासु दयाल द्रवम सकल कलिमल दन नील सरो तरुण अरुण बारिज नयन करम सो मम उरदान सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदे करुणा अयन जाय दीन पर नेह करहु कृपा मरदन मयन बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप है।
विकर। पांच सुर उठे में मानो भगवान शंकराचार्य के पंचदेवों की पूजा की एक विचारधारा को भी गोस्वामी जी ने दर्शित किया। गणेश की, माँ दुर्गा की, भगवान शिव की, सूर्य की और भगवान विष्णु की स्मृति की और आखिर में गुरु वंदना की। व्यासपीठ ने कई बार कहा, फिर दोहरा कर आगे बढ़ूं कि गुरु गणेश भी हैं, गुरु गौरी भी हैं, गुरु गौरी शंकर है, गुरु गगन सदृश साक्षात विष्णु भी है, गुरु क्या नहीं है। ऐसे गुरु की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, नर के रूप में होते हुए मेरे लिए जो हरि स्वरूप है, जिसकी वाणी सूरज की किरण की तरह महामोह को समाप्त कर देती है, ऐसे गुरु की वंदना गोस्वामी जी ने की। आइए आज की कथा में गुरु वंदना करके कथा को विराम दें। सबसे पहला प्रकरण मानस गुरु गीता, जिसको मैं कहा करता हूँ, तो रामचरितमानस की प्रथम चौपाई। आइए हम सब संग में पारायण करें, गान करें। बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुहास सरस सकल सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति ये तिलक गुण गण रस कर श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हो प्रकाश बड़े भाग आई जा विमल विलोचन के मिलि दोष दुख भवरचनी चरित मणिक भूत प्रगट जो जथा सुमंजन आनिक साधक सीत सुजा कौतुक लेखक शैल बन नयन कमीय दोष विमन विवेक विलोचन बरन उनाग
पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सबसे पहले राम कथा में चौपाइयों में गुरु वंदना की है। व्याख्या में आज हम न जाएं, बहुत बार व्याख्या की जा चुकी है, लेकिन इतना ही कह करके विराम की ओर आगे बढ़ूं कि जीवन में गुरु की जरूरत है और गुरु तैयार भी है। सदा सदा गुरु तैयार होता है हमारे जीवन में दाखिल होने के लिए, प्रवेश करने के लिए। मैं गुरु की परिभाषा ये भी करना चाहूँगा कि गुरु वो हैं जो हमारे अंदर दाखिल तो हो जाता है लेकिन दखल बिल्कुल नहीं करता, वो गुरु है। किसी भी व्यक्ति, हम तो भारतीय हैं, परिवार में कोई हमारे घर में दाखिल हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तो तभी है जब दखल करे। मन में हम भारतीय हैं, दसों दिशाओं से वेद कहे हमको शुभ विचार चाहिए, हर द्वार भारतीयों ने खुले रखे, हर विचार को हम स्वीकार करते हैं, तो किसी भी विचार को हम दाखिल करने के लिए वो नहीं है। विचार हर जगह से दाखिल होने दो, वो दखल न करे उसका ध्यान दो। भारतीयों के आंगन में कोई भी प्रवेश करे, लेकिन कई लोगों के आदत होते दाखिल, गुजराती में कहो तो दाखल था ना, दखल करे आग लगाते। गुरु वो हैं, पूरा का पूरा उतर जाता है शिष्य में, अपने को पूरा का पूरा शिष्य में उतारने के लिए एक शिष्य को इतना विकसित कर देता है और गुरु उतर जाता है। क्योंकि जो गुरु शिष्य को दखल दें, ऐसे गुरु को हटाने की सूचना महागुरुओं ने दी है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को कहा गया कि बार बार काली बीच में आती है तो ले तलवार, काली का सिर काट दे, तुम्हें ये दखल कर रही है काली, बार बार तेरे ध्यान में वो बीच में आती, तो काली का सिर काटने को ठाकुर परमहंस को कहा गया था। और बुद्ध की परंपरा में तो बौद्ध धर्म कहता है कि बुद्ध बीच में आ जाए तो उसका भी सिर काट दो। इसका मतलब गुरु का सिर काटना नहीं, गुरु के विचार यदि तुम्हारे जीवन में दखल पैदा करे। गुरु तो इतना समरस होता है, पूरा का पूरा नहीं उतरता, पूरा का पूरा उतरेगा, अपने को योग्य बना देता है गुरु अपने को। पहले के हमारे साधुओं में, खास करके हम जो गृहस्थ साधु परंपरा सौराष्ट्र की जो है, वहाँ हमारे में अग्नि संस्कार नहीं होते हैं, भूमि समाधियाँ दी जाती है। तो कई ऐसे साधु हुए हैं कि जो अपने जीवन समापन से पहले अपने योग्य समाधि तैयार करवा लेते कि ये मेरी जगह, स्वयं गड्ढा बना लेते, तैयार रखते, उसकी पूजा करते रहे सालों तक, बस अपने योग्य बना लेते समाधि। सच्चा गुरु वो है, वो शिष्य में एक गड्ढा निर्माण कर देता है, खुद की समाधि शिष्य में उतारने के लिए तैयार कर देता है, एक गड्ढा बनाता है। गुरु भरता नहीं किसी को, गुरु खाली करता है और फिर खुद शिष्य में भर जाता है। वो अपनी समाधि पैदा करता है, शिष्य की उपाधि की भूमि को इतर भीतर करके अपनी समाधि शिष्य में अवतरित हो, समाहित हो, इसलिए शिष्य को तैयार करता है। सच्चे अध्यात्म के आगे सत्य शब्द लगाना मुझे ठीक भी नहीं लगता है, लेकिन अध्यात्म को भी लोगों ने बहुत बहुत अर्थों में उसको थोड़ा वो कर रखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सच्ची आध्यात्मिक यात्रा में गुरु धीरे धीरे आता ही नहीं, छलांग भर के शिष्य को योग्य बना करके उसमें बैठ जाता है। इनकी पात्रता जैसे निर्माण हुई और कूद पड़ता है समाधि का गड्ढा बना करके अंदर बैठ जाता है।
मैंने पहले भी कई बार कथाओं में सुनाया, मुझे स्मरण आ रहा है आज, वो फिर सुनाऊं आपको कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें जर्मनी का एक सेनापति वो हारे और सेनापति पकड़ा गया बहुत गंभीरता से। ये बनी घटना है, कथा में कई बार कही है, आपने सुनी होगी, आपको स्मरण होगा। अब ये पकड़ा गया सेनापति जर्मनी का, ब्रिटेन ने उसको पकड़ लिया, ये इतिहास सिद्ध बात है, आप पढ़े भी होंगे। अब बुरी तरह वो घायल है और युद्ध कैदी के रूप में ब्रिटेन ने उसको पकड़ लिया। अब जब कोई सेनापति ऐसे शरणागत हो जाए फिर उस पर वार नहीं की जाती, युद्ध के कुछ नियम होते हैं कि बेईमानी नहीं की जाए, युद्ध के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। कई राष्ट्र ऐसे वो निभाते हैं, कई राष्ट्र ऐसे वो निभाना सीखे ही नहीं। तो ब्रिटेन का सेनापति वो जर्मन सेनापति को पूछने जाता है कि आप हमारे युद्ध कैदी हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अस्पताल में भर्ती करवाया, इलाज चल रहा है युद्ध की, यानी सैनिक अस्पताल में। तो एक मानवता के नाते वो मिलने जाता है और कहता है कि हम आपकी क्या सेवा करें। बोले मैंने सुना है कि मेरे दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं और अभी अभी डॉक्टर ने बताया कि ये पैर काटना पड़ेगा। बोले हाँ, हमको भी सूचना मिली है कि आपकी ये दाई टांग काटनी पड़ेगी। तो मेरी एक इच्छा है, जर्मनी के सेनापति ने कहा जो युद्ध कैदी बना, ब्रिटेन के सेनापति को कहते हैं कि ये मेरी दाई टांग आप काट लो, तो एक इच्छा है, पूरी करोगे क्या, कि उसको जर्मनी भेज देना। जर्मनी? बोले हाँ, ये मेरा पैर जर्मनी भेज। उसको हुआ कि इसमें क्या आपत्ति है, भेज देंगे। तो जब काटी गई तो भेज दिया, निर्णय कर लिया भेज देंगे। अब 8 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये बाई टांग भी काटनी पड़ेगी। फिर वो सेनापति आया कि कुछ काम, बोले एक काम कि बाई टांग काटी जाए तो वो भी जर्मनी भेज दो। 15 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि दोनों हाथ भी काटने पड़ेंगे, इतना बिल्कुल भयंकर रूप से घायल था। तो कहा मेरे अंग का जो जो हिस्सा डॉक्टर काटे उसको कृपया ब्रिटेन में मत रख के जर्मनी भेज दिया। तो ब्रिटेन के सेनापति ने मजाक किया कि तू इस तरह खंड खंड होकर हमारे से छटक कर भागना तो नहीं चाहता कि पहले पैर भेज दो, फिर हाथ भेज दो, फिर ये भेज दो, तू टुकड़े टुकड़े जाना। ब्रिटेन के सेनापति के सामने जर्मनी का सेनापति खंड खंड शायद अपने वतन की ओर जा सकता है, लेकिन भारतीय सदगुरु कभी खंड खंड नहीं होता, वो अखंड ही शिष्य में उतरता है। इसलिए तो शायद कबीर कहते हैं, कह कबीर मैं पूरा पाया, शिष्य मेरी समझ में, शिष्य की शरीर की उसको रिक्त करके उसकी अंतःकरण की रिक्तता में गुरु उतरता है, पूरी की पूरी समाधि। और जरा भी दखल न करे, जरा भी विक्षिप्त न करे शिष्य को, तो गुरु वो है जो दाखिल तो होता है, दखल बिल्कुल नहीं करेगा, धन्य कर देता है। ऐसे गुरु की वंदना पूज्यपाद गोस्वामी जी ने की है, तेई करी बीमार। अरे भाई, किसी धूल की रज तो आंख में गिरेगी तो दखल करेगी, आंख को कितना पीड़ा होगी, एकदम आंसू आएंगे, लाल लाल हो जाएगी, ठीक से देख नहीं। एक रजकण यदि चली जाए आंख में तो कितनी दखल पैदा कर देती है। और यहां तो लिखते हैं तेई करी विमल विवेक विलोचन बरनउ राम चरित, जन्म जन्म की आंखें खुल जाती हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते। उतरता है गुरु, दाखल ही होता है, दखल बिल्कुल नहीं करता, उसी का नाम है सदगुरु। ऐसे गुरु की वंदना गोस्वामी जी ने की है।
हम भी अपने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करके आज की कथा को विराम दूं, इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए गुरुदेव तुम्हारी जय जय सब गाइए जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय गुरुदेव सिख धर्म के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन गत दिन था, उनका भी स्मरण करके गुरुदेव तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय गुरुदेव सदगुरु तुम्हारी जय जय हो सदगुरु तुम्हारी जय जय हो सदगुरु तुम्हारी जय जय हो सदगुरु तुम्हारी सब गाइए गुरुदेव गुरुदेव जय जय सुखदेव तुम्हारी जय जय हो सुखदेव तुम्हारी जय हो वामदेव तुम्हारी जय जय हो वामदेव तुम्हारी जय जय हो महादेव तुम्हारी जय जय महादेव तुम्हारी जय जय हो महादेव महादेव तुम्हारी जय जय नामदेव तुम्हारी जय जय हो नामदेव तुम्हारी जय जय हो नानक देव तुम्हारी जय जय हो नामदेव तुम्हारी गोविंद तुम्हारी जय जय गुरु गोविंद तुम्हारी जय जय ज्ञान देव तुम्हारी जय जय हो ज्ञान देव तुम्हारी जय जय हो महादेव महादेव तुम्हारी जय जय हो महादेव तुम्हारी जय महादेव तुम्हारी जय जय महादेव तुम्हारी जय जय महादेव तुम्हारी जय जय सदगुरु तुम्हारी जय जय हो 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 भगवान महादेव महादेव
शिव शंकर तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय जय गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय जय हरि बोल 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 प्रथम दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही हैं। कल से प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे कथा का आरंभ होगा, तो कल सुबह 9:30 बजे कथा का गान हम आगे बढ़ाएंगे। आज यहाँ ही विश्राम, भाव से बोलिए बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बाल कृष्ण भगवान की जय,
सदगुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नाथ कृपा रख भयो तब दर्शन खगराज, आय सुदेव सुपरम अवर प्रभु आयु तेकाज। सदा कृपा रख रूप सो सब भयम दरस तव देखि परम पावन तव आश्रम गए मोह संशय नाना। अब श्री राम कथा रति पाव सदा सुखद दुख कुंजन सा, सार तात सुनावहु मोहि बार बार बिनवहु प्रभु तुम। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता सरस प्रेम सुखद सुख, भयोता सुमन परम उचा राग कहे रघुपति गुणगा। प्रथम अति अनुराग भवानी रामचरित सर कैसि बखान, तुमि नारद कर मोह अपार कैसि बहुर रावण अवतार। प्रभु अवतार कथा मुनि गाय तब शिशु चरिस कैसि मन राय। बाल चरित कहि बीज विधि मन मह परम गवन कहे सुनि श्री रघुवीर विवाह। बहुल राम अभिषेक प्रसन्ना भवचन राज रसमासिन कर विरह विषादा कैस राम लक्ष्मण संवाद। कृपिन गवन के वच अनुरागा सुन संत निवास प्रया। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना बसे भगवान। सचिवा गवन नगर कमल वरता गवन प्रेम बहुमन, करिन प्रिया संग पुरवास वरत गए जा प्रभु सुखरास। कवि रघुपति बहु विधि समुदाय तुरे भादु का अवध तुलरा। भरत रहन सुरपति सुत कर प्रभु अरवत भेट पुनि मन। कहि विराज बज जय देव सजी सरहुं बरनि सुति क्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सत्संग। भय दंडक बन पावन ताय कीर्त मयर प्री पुनि ते गाय। पुनि प्रभु पंचवटी कृत भाषा भंगी सकल मुनि ते काषा। पुनि लचि मन उपदेश अनुहा सुवन खाजिन किन्ह कहु। शन बद बहुरि बखान इन सब मर मद शान गा। रस कंदर मारिच बप तरहि जहि विधि भइ सो सब तहि गा। तुहि माया सीता कर है श्री रघुवीर विरह कछ भय। तुहि प्रभु गीत क्रिया जिमिति बरित बंद सब हरि गति दी। बहुरि बिरह बरनत रघुवीरा जहि विधि गए सरोवर ती। प्रभु नारद संवाद कहि मारुति मिलन रसन मुनि सुग्रीव मिताहि बाल प्राण कर भय। कपि तिलक करि प्रभु मुख शैल प्रवर्षन वास वरन वर्षा सरद हरु राम रोष कपि दास। जय विधि कपि पति की सपठाए सीता खोज सकल निसिधाय। विवर प्रवेश की धजे भाई कपि न बहोरि मिला संपाय। सुनि सब कथा समीर कुमारा नाग भय उपयोगि अपार। लंका कपि प्रवेश जिमि किन्ना उसी कर धीरज जिमिनि। वन उजारि रावण हि प्रबोधि खुरदनि नाग बहुरि पयोधि। आए कपि सब जहर गुराई
वैदेही कुशल सुनाई सेन समेत जथार बुदीरा उतरे जाय बारी विधि मिला विभीषण जे विधिया सारल निग्र कथा सुनाई सेत बाद कपिसेन उतरे सागर बार गयो मसिठी भीर वर देवी दिवाली चर की सलरा विविध प्रकार कुंभ करण घन नाल कर बल पौरुष संगा निश्चरणी कर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बका रावण वध मंदोदरी श्रोता राज विभीषण देव सोता सीता रघुपति मिलन बहोर तुरन की कर जोरी पुष्पक चढ़ कपिन समेता और चले प्रभु कृपा निके रामन गर निज आए बाईस विसर चरित सब जाए कैसी बहोरी राम अभिषेका उर्वरन तन पनीरी हमें कथा समस्त भुसुंद बखान जो ने कुसन कही भवान सुनि सब राम कथा खगना कहत वचन मन परम ऊंचा करय मोर संदेह सुनयउ सकल रघुपति चरित भयउ राम पद ने प्रभु प्रसाद वारिस तिलहु सिखाहु श्री जी महाराज की जय Thank you.
प्रेमी सज्जनों, पूज्य बापू जी के मुखारबिंद से भगवान की परम पावन दिव्य कथा सुनने का एक सुअवसर हमें जो प्राप्त हुआ है, ये संत की और भगवान की परम कृपा है। प्रसंग भी आपके सामने बहुत सुंदर प्रसंग आया है, भारद्वाज जी और भरत जी के वार्तालाप का प्रसंग। निश्चित रूप में बोलिए, राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम, जय 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 श्री राम। कल प्रातः 9:30 बजे से 10 मिनट पहले पधारें। पूर्ण कथा का आनंद लेने के लिए थोड़ा सा